दोस्तों, जैसे आपको पता है कि नेशनल स्कॉलरशिप का जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो बढ़कर हो गया है 30 नवंबर। तो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह फिलअप नहीं किए हैं फॉर्म नेशनल स्कॉलरशिप का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई मिस्टेक किया है, गलती किया है, तो उसको कैसे सुधार करेंगे। जैसे कि होता है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह आपने कुछ और अपलोड कर दिया है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जगह आपने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, तो आप उसको रिमूव करके सही डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मैं यहाँ पे व्यू करूँगा, देखेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर किया गया है, उसके लिए यहाँ पे व्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड हो चुका है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जगह पे। तो यहाँ पे हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको सेम यहीं पे अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट सर्टिफिकेट नंबर डेट ऑफ इशू है वहाँ पे लिखा होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे, वो देख लेंगे, प्लेस ऑफ इशू इशू बाय लिख लेंगे, और यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी को आपको यहाँ पे चूज़ करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको अपलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली लिख देगा, तो यहाँ पे आपको कट कर देना है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। जैसे अपलोड हो जाता है तो एक दफ़ा आप व्यू कर लेंगे कि आपका जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वही हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही यहाँ पे आपको शो होगा जो आप करेंगे। तो इस तरह से आप जो भी अगर आपने गलती से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिया है अलग, तो उसको आप रिप्लेस करके सेम जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई भी और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।